अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज से यूपी डीएलएड में आवेदन समाप्त हो रहा है और आवेदन का अंतिम मौका आज है, जल्दी करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आज के बाद आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। और देखिए आप लोग की जो मेरिट लिस्ट जारी होगी, कैसे जारी होती है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फॉर्म भरते समय आपने अगर गलती कर दी है तो क्या आपको ऑनलाइन करेक्शन का मौका मिलेगा? क्या यूपी डीएलएड में ऑनलाइन करेक्शन होता है? इसका आंसर है दोस्तों नहीं, हमने आपको पहले भी बता रखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड या डेट ऑफ बर्थ वाला जो मैटर आ रहा था, तो देखिए काफ़ी बच्चों ने एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से बार बार रजिस्ट्रेशन किया, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। उसके बाद आप नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी से करते तो ये दिक्कत हट जा रही थी। गवर्नमेंट कॉलेज की कटाप क्या जाएगी, इसमें दोस्तों इस वीडियो में यही हम देखने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग के नंबर जो आ रहे हैं, क्या आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, हर एक कैटेगरी में हम बात करेंगे। एक और दोस्तों खबर हम आपके सामने रखते हैं, अगर जो बच्चे जनरल कैटेगरी के थे और वो दोस्त ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना रखे, इकोनॉमिकल वीकर वाला जो भी था, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब बच्चों ने पोस्ट किया था। और मेरिट की ही बात कर देते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो मेरिट जाती है, देख लीजिए पहले, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी की मेरिट गई वो 85 है, और दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर की मेरिट गई 57। ये देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति की मेरिट गई है ये 62.67, और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 80 नंबर। तो ये दोस्तों होता है फायदा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, उसका यूज करके आप आसानी से सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ये फिलहाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैकेंसी की बात थी तो उसकी कटाप यहाँ पर हम आपके सामने रख रहे थे। तो समझिए कुछ बातें, यहाँ पर आपको फायदा कैसे मिलेगा, अगर आपकी एज ज़्यादा है, कभी कभी दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 220 नंबर आपके भी हैं और आपके साथी के भी हैं, तो किसको सरकारी कॉलेज मिलेगा? पहले 200 सरकारी कॉलेज उसको मिलता है जिसकी एज ज़्यादा होगी। मान लेते हैं आपकी एज 30 साल है और आपके दोस्त की एज 24 साल है, तो यहाँ पर जो सरकारी कॉलेज अलॉट किया जाएगा पहले 30 साल वाले बच्चे को किया जाता है। एज का भी यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अगर नंबर बिल्कुल सेम टू सेम मैच करते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, हमने एक मेरिट लिस्ट आपके सामने रखी, ये स्टेट रैंक दोस्तों देख सकते हैं 181.98, यहाँ पर देखिए इसका भी इतना है, इतना है, इतना है, नंबर दोस्तों सभी बच्चों का सेम ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरिट सबके अलग अलग है। किसी के दोस्तों 2,50,000 3 है, फिर 4, 5, सेम नंबर पर आप देखिए, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बता दें, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे सर क्या हम बीएड कर लें, क्या क्या सही रहेगा हमारे लिए, इस लाइन को पढ़िए जरा। प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएड भी कर लेते हैं, डीएलएड भी किए हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षक भर्ती फॉर्म भरते समय उन्होंने बीएड का विकल्प डाल दिया था लेकिन डीएलएड का छोड़ दिया था। तो यही बिहार शिक्षक भर्ती में अब यहाँ पर यही नोटिस आ रही कि अगर आपने बिहार में गलती से बीएड डाला है तो इसको डीएलएड में कैसे संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बिहार में प्राथमिक में बीएड को बाहर किया जा रहा है, एक तरह से ये समझ सकते हैं। लाखों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, क्या वजह है दोस्तों? देखिए वजह दोस्तों ये आई है न्यूज़पेपर में सामने कि डीएलएड में 43,586 आईडी पर ट्रिपल रजिस्ट्रेशन, 87,112 निरस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब अपने आप लोग खुद की आईडी से करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग परेशान मत होइए, कोई नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, यहाँ पर आपको एडमिशन देना है, ठीक है ना, तो आप लोग को एडमिशन मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई गलती की होगी तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। बहुत से केसेस में फॉर्म रिजेक्ट जल्दी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जब सामने से एक अपडेट आती है तो डेफिनेटली ऐसा होता है। कोई भी चीज़ें झूठ सामने नहीं आती, जो यहाँ पर लिख कर आ रहा सामने ऐसा होगा जरूर। अब देखते हैं किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, ठीक है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, सीधे हम मुद्दे पर आएंगे और बात करेंगे जनरल में कटआउट किया जा सकती है। पहले दोस्तों हम एक आइडिया लगाते हैं कि इस बार कितने आवेदन हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों सामने आ रहा था, देखिए इसमें ही तकरीबन 204,00,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ, 4,00,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन बहुत से बच्चे हैं, आप ही ऐसे होंगे जो दो दो तीन तीन बार रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, फाइनल सबमिट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय तक लगभग 2,00,000 से ज़्यादा फाइनल सबमिट फॉर्म हो चुके थे, जिन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया सब कुछ, ठीक है। और मान के चलते दोस्तों, अगर आज के डेट में 31 अगस्त 2023 तक फाइनल सबमिशन की जो ये थी ना, अगर ये मान लेते हैं हम लोग 2,00,000 का डबल कर देते हैं सीधे सीधे 4,00,000, तो दोस्तों हमारी मेरिट क्या आ जाएगी, 4,00,000 या 3,00,000 मान लेते हैं, 3,00,000 1,00,000 बढ़ सकती है, क्योंकि वेबसाइट उस समय सही नहीं चल रही थी, अब बढ़िया चल रही है।
अगर 3 लाख बच्चों ने आवेदन कर दिया तो क्या मेरिट क्या कट ऑफ जाएगी? देखिए, पहले आपको बता दें, अगर आपका मन है कि हमें प्राइवेट कॉलेज लेना है, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्राइवेट कॉलेज 180 नंबर पर भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, किसी भी जिले में आप जाकर अगर आपके जिले में सीटें भर जाए तो अपने अड़ोस पड़ोस के जिले में भी आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो प्रयागराज में आप डीएलएड नहीं कर सकते, जी नहीं, आप यूपी में कहीं पर भी जाकर डीएलएड कर सकते हैं। पहली कंडीशन समझ गए, प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिलेगा। हाँ, अगर आप लोग अपने घर से दूर जा रहे हैं डीएलएड करने, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कॉलेज से बात कर लीजिएगा, सर हम रोज क्लासेस नहीं कर पाएंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी हम एक्स्ट्रा पैसे 1 भी रुपये नहीं देंगे, ठीक है ना, तो इसको बात कर लीजिएगा, जो भी आपकी फीस होगी या जो भी डिस्काउंट होगा वहाँ पर, वैसे आप लोग एडमिशन लीजिएगा। कहीं कहीं दोस्त ये भी आपको ऑफर देखने को मिल सकता है कि जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए दोस्त क्या करते हैं, कॉलेज वाले ऑफर ले आते हैं 0 पेमेंट पर। जी हाँ दोस्त, स्कॉलरशिप के बेसिस पर उनको एडमिशन दे दिया जाता है, लेकिन बाद में अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो फिर आपको कॉलेज वाले परेशान भी करते हैं। जनरल में दोस्तों जो कट ऑफ जा सकती है, अगर 3 लाख से ज्यादा आवेदन होता है, ठीक है ना, फाइनल सबमिशन की बात कर रहे हैं, 3 लाख प्लस में, तो जनरल के दोस्तों जो मेरिट जाएगी, हमने आपको बताया था पहले ही, 235 मिनिमम है, लेकिन 235 नंबर पर आपको फर्स्ट राउंड में सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, उत्तर प्रदेश में 200 तकरीबन 67 डाइट कॉलेज है, 67, और आपको बता दें 67 हर एक डाइट कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग होगी। हो सकता हो कि भैया कोई एक ऐसा डाइट कॉलेज हो जहाँ पर जनरल की मेरिट 250 प्लस चली जाए, कोई ऐसा भी डाइट कॉलेज हो सकता है जहाँ पर जनरल की मेरिट 225 प्लस पहले राउंड की जाए, ठीक है ना, तो हर एक जिले में जो डाइट की मेरिट रहेगी वो अलग अलग होने वाली है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज जो है सरकारी, एक बात आप समझ गए। तो दोस्तों आपको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी जो 15 सितंबर से शुरू होगी, ठीक है, 12 सितंबर को दोस्तों हमारी क्या जारी होगी, स्टेट रैंक। उस दिन दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 2,50,000 से ऊपर रैंक है, हमने दोस्तों आपको रैंक वन का दिखाया था, कितने बच्चे ने पाया था, 300 में से 300 नंबर, ठीक है, और कुछ बच्चे देखिए जानबूझ के गलत कर देते हैं, जैसे आपने फॉर्म डाला होगा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मेरा 2 नंबर ज्यादा डाल दिया, 3 नंबर, 1 नंबर भी ज्यादा डाल दिया, 1 भी नंबर आप ज्यादा नंबर नहीं डाल सकते। तो जनरल में दोस्तों जो पहले राउंड की कट ऑफ जा सकती है वो तकरीबन 245 प्लस जा सकती है, ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं जनरल की। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस में जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जा सकती है वो 230 प्लस जा सकती है, ठीक है ना, अब मिनिमम 220 तक आ सकती है, लेकिन फर्स्ट राउंड की हम बात करें 230 से ज्यादा नंबर पर जा सकती है। ओबीसी में दोस्तों जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जा सकती है वो लगभग 235 से लेकर 240 नंबर तक जाएगी, ये फर्स्ट राउंड की है। सेकेंड राउंड में हो सकता है ये कट ऑफ कम हो, लेकिन हमेशा फर्स्ट राउंड में कट ऑफ मैक्सिमम होती है। एससी कैटेगरी में दोस्तों जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जा सकती है 225 से लेके 230 नंबर तक जा सकती है। एसटी में दोस्तों जो जा सकती है वो 200 से लेके 210 नंबर तक। फिजिकल हैंडीकैप में हमने पहले बताया था 200 प्लस में आपको मिल जाना चाहिए सरकारी कॉलेज। फ्रीडम फाइटर 200 प्लस में सरकारी कॉलेज। एक्स सर्विसमैन, देखिए यहाँ पर 200 प्लस की बात है, यहाँ पर अगर आप 180 नंबर भी पाएंगे तो सरकारी कॉलेज मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन में भी 180 नंबर 170 पर भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है। लगभग दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10,600 सीटें हैं डाइट में, और आपको बता दें सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है एक साल की वो होती है 10,200 रुपये, और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो होती है दोस्त हमारी 41,000 रुपये। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है कि प्राइवेट में, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में एडमिशन आसानी से हो जाता है, क्लासेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो आपको रोज क्लास करना पड़ेगा। डाइट का एक रूल है, आपको दोस्त रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है, आप वहाँ पर छुट्टी नहीं ले सकते, और आपके 4 बार टीचिंग लगेगा, एक एक महीने की 4 महीने की टीचिंग होगी, उसी को आप छुट्टी समझ लीजिए या जो भी समझिए, टीचिंग भी बच्चे मैनेज कर लेते। एक बात और आपको बता दें, जैसे दोस्तों मान लेते आप लखनऊ के रहने वाले, ठीक है, और दोस्तों आप जा रहे हैं आगरा से BTC करने, तो दोस्तों जो आप लोग की 4 महीने की टीचिंग लगती है एक एक महीने की, तो वो दोस्तों आपके आगरा में ही लगेगी, भले आप रहने वाले लखनऊ के, ये मत सोचेगा कि नहीं हम तो लखनऊ के रहने वाले हम लखनऊ में टीचिंग करा सकते हैं, नहीं, आपका DLED जहां पर भी आपका डायट लगता है जो भी जिले में वहां पर दोस्तों आपको अपनी टीचिंग करनी पड़ती है। थोड़ी थोड़ी बातें आप जानते रहते हैं तो बेहतर रहता है। तो दोस्तों आज आवेदन का अंतिम दिन है, जल्दी से आवेदन करिए, उम्मीद करेंगे सभी बच्चों का आवेदन अच्छे से हो जाए। ये दोस्तों देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट 31 अगस्त 2023,
उसके बाद जो आप पैसा जमा कर सकते हैं 2 सितंबर तक कर सकते हैं। देखिए पे अपडेट एंड रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लेते अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाएंगे आप, यहाँ पर नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब डालिए, आपका रिसेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। अब तो दोस्तों जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, पार्ट वन रजिस्ट्रेशन पर आते हैं, एक नई ईमेल आईडी और एक नए तरीके के साथ मोबाइल नंबर के साथ, तो आपको फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए, आपके ईमेल आईडी पर भी डेट ऑफ बर्थ की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर गलती से जैसे भी जा रहा है जा रहा है। इसका फायदा उठाइए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, पैसा पेमेंट करिए। देखिए ये दोस्तों चारों स्टेप करने आपके लिए जरूरी है, काफी बच्चे एक स्टेप पर थे, ये देखिए 1 2 3 4 पांचवा भी जरूरी, तो मैं प्रिंट आउट हमें निकलवाना पड़ता है। और फॉर्म भरते समय अगर आपने एक भी नंबर ज्यादा डाल दिया है तो क्या करना है आपको, फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास मौका है तो देख लीजिएगा, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे बने 230 240 250 तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वही है कि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ सकता है। चलिए बाकी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में। और उम्मीद करते दोस्तों जो ये रैंक लिस्ट है वो 12 को आएगी, उसके बाद फर्स्ट राउंड में देखिएगा दोस्तों, होता ये है कि पहले से लेके 50,000 तक या 1 लाख तक जिन बच्चों की रैंक रहेगी उनको मौका मिलेगा आवेदन करने का, चॉइस फिलिंग का। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।